एक सवाल आया है हमारे पास #क्रिकबसचैटर ट्विटर पर, हमसे पूछ रहे हैं करण गंभीर साहब, वो कह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है कि फास्ट बॉलर्स विकेटलेस गए हैं 50 ओवर तक इतनी अच्छी कंडीशंस में, जो उनके लिए बेहतरीन थी कंडीशंस, जहां पर क्लाउड कवर भी था, विकेट में भी थोड़ा मॉइस्चर था, क्या वजह है कि भारतीय गेंदबाज विकेटलेस गए 50 ओवर के बाद? करण, शायद आपने मैच खत्म होने से थोड़ा पहले भेज दिया हो, क्योंकि ईशान शर्मा को वो आइसक्रीम शॉट पे मिल गया था विकेट फिर एक बार डेविन कॉनवे का, उतनी अच्छी नहीं रही मेरे ख्याल से, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही, स्विंग नहीं हुई गेंद, शायद बॉलिंग कम पड़ी हो, क्योंकि आप देखिए इससे पहले भारत कब खेला था, आप शमी को देखिए ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस नहीं खेले थे, जो इंडिया में टेस्ट मैचेस हुए उसमें अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने तो अपने हाथ में बॉल लेकर रखा था, किसी को दे ही नहीं रहे थे गेंद, तो वहां पे बॉलिंग शायद कम पड़ी हो। आप इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेल सकते हैं, लेकिन शायद थोड़ी बॉलिंग कम पड़ी हो उनमें, कभी कभी रिदम आने में वक्त लगता है। मुझे अब भी लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम, देखिए ट्रेंट बोल्ट ने तो एक टेस्ट मैच खेला है, जेमिसन ने एक खेला, वैगनर ने दोनों खेले, साउथ ने एक खेला, तो मैच खेल चुके थे, तो मुझे लगता है कहीं वो एक होगा, लेकिन एक्सक्यूज नहीं देना चाहता मैं। अब तक इन दो दिनों में न्यूजीलैंड ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि कंडीशंस उनके लिए ज्यादा अच्छे हैं, बड़ी अच्छी स्विंग की उन्होंने गेंद, तो भारत को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि स्पिन नजर नहीं आ रहा उतना। सही बात है, गति परिवर्तन कर तो रहे थे रविचंद्रन अश्विन, लेकिन मैं आपकी चर्चा सुन रहा था अभी कुछ देर पहले अंग्रेजी में साइमन डोल से, जहां पर आपकी कुछ इसी के इर्द गिर्द चर्चा हो रही थी, क्या वो जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, जो लैक ऑफ बॉलिंग है मैच में, क्या वो एक वजह है कि शायद लेंथ भी नहीं ढूंढ पा रहे भारतीय गेंदबाज एकदम सही लेंथ? हो सकता है, मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूं, हो सकता है कि आपका रिदम नहीं बनता पहले, शायद रिदम बनने में वक्त लगता है। हमने कहा कि टी टाइम के बाद भी शायद बैठ के सोचे कि हमारे लेंथ सही थे क्या, हमारा डायरेक्शन सही था क्या, कि हमने ज्यादा राउंड द विकेट की लेफ्ट हैंडर्स को, लेकिन आज रात जरूर चर्चा होगी, क्योंकि यहां से मैच में वापस आने के लिए तेज गेंदबाजों को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी ही पड़ेगी, और वो शायद देखेंगे कि भाई 116 पे दो हैं, इंडिया 146 पे तीन थे, वहां से 217 ऑल आउट हो गए, तो अगर आप अच्छी बॉलिंग करो तो यहां भी 200 के अंदर आप ऑल आउट कर सकते हैं न्यूजीलैंड को, लेकिन आज सबसे ज्यादा मीटिंग्स होंगी बॉलिंग कोच और बॉलर्स के बीच, बल्लेबाजों को जरा छुट्टी दे रहे हैं।